हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग बना रहे हैं आम पापड़। तो आम पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आम पापड़ बन जाता है। बहुत ही इजी मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आम पापड़ बनाने का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आम पापड़ बन चुका है, मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। हम प्रोसेस को स्टार्टिंग से बिगिन करेंगे। और आम पापड़ बनाना बहुत ही आसान होता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें घर पर। डेफिनेटली आपसे आम पापड़ ज़रूर बनेगा और अच्छा आप आम पापड़ बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आम पापड़। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने 3 मैंगो थे जिनको काट के छील के ले लिया है। इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है, लेकिन अभी ये जो मैंगो है इसका पल्प उतना स्मूथ नहीं है, इसलिए मैंने इसे मिक्सी के जार में ले लिया दोबारा निकाल करके और इसको एक बारी ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही स्मूथ और स्मूदी टेक्सचर वाला हो गया है। ऐसा ही हमें चाहिए था। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और स्मूथ लगने लग जाएगा। चीनी हमने इसलिए इसमें डाली है कि अगर मैंगो का थोड़ा भी खट्टापन हो तो खट्टापन ना रहे, और चीनी डालने से जो हमारा आम पापड़ है उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अगर हमें बहुत पतला आम पापड़ चाहिए तो हम इसको थोड़ा कम पकाएंगे, अगर हमें थोड़ा मोटा आम पापड़ चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे। तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे थोड़ा मीडियम साइज का आम पापड़ चाहिए, इसलिए मैं उसी हिसाब से इसको बना रही हूँ। अब ये हमारा बैटर जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन पाइपन बैग है मेरे पास, मैंने उसको ले लिया है। उस पर थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी लगाने से क्या होगा कि जो हम आम पापड़ का ये पेस्ट इस पर स्प्रेड करेंगे तो वो पॉलीथीन पे चिपकेगा नहीं। चिपकता वो तो वैसे भी नहीं, लेकिन फिर भी लगाने से और भी अच्छे से और निकल आएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब हम सारा ही स्मूथ पेस्ट इस पॉलीथीन बैग पे डाल लेंगे। और डालने के साथ हम इसको साथ में स्प्रेड भी करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा ही बैटर मैंने कढ़ाई से निकालकर पॉलीथीन बैग पर डाल लिया है और इसको इक्वली स्प्रेड कर देंगे साथ में इस तरीके से। एक पतली सी लेयर बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। बहुत ही अच्छा आम पापड़ बनकर तैयार होता है इस तरीके से। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा सूखा आम पापड़ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको लगभग 36 से 40 घंटे के लिए सुखाया है पंखे में रखकर। बट अगर आपको बहुत टाइट और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो आप इसको धूप में सुखाएं। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो अच्छे से इक्वली मैंने स्प्रेड कर दिया है पॉलीथीन बैग पर, और अब मैंने इसे पंखे में छोड़ दिया है सूखने के लिए। इसे मैंने अप्रॉक्स 36 से 40 आवर्स अप्रॉक्स रखा है
सूखने के लिए। ये देखिए 36 से 40 घंटे होने के बाद इस तरीके से हमारा आम पापड़ सूख चुका है। ये देखने में ही देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा चेंज होकर आ गया है सूखने के बाद। और ये देखिए ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा बहुत अच्छा आम पापड़ बनके हमारा तैयार हो गया। मुझे सूखा ही चाहिए था इसलिए मैंने इसे पंखे में सुखाया है, बट अगर आपको थोड़ा हार्ड और ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए चाहिए तो आप इसे ज़रूर धूप में सुखाइए। और धूप में सुखाने पे आप एक ही धूप इसमें लगाएंगे और ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने पंखे में सुखाया इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हो गया है क्योंकि मैंने इसे स्वीट्स बनाने के लिए तैयार किया है। तो मैं इसे इसी पॉलीथीन बैग के साथ इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। और फोल्ड करने के बाद मैं इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख दूँगी। मैं इसे फ्रीज़र में इसलिए रखूँगी ताकि ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सूखा है, वेट है, सॉफ्ट है, तो ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसे डीप फ्रीज़र में रखूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स।